सबका नाश हो गया, नाश हो गया, नाश हो गया, देश का नाश हो गया, सबका नाश हो गया, देश का नाश हो गया। रोजगार तो है ही नहीं। ये बताइए, अपना घर टूट रहा है, दूसरों से हम जोड़ रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? को कानून पे विश्वास नहीं है। अगर कानून होता तो ब्रजभूषण आज यहाँ नहीं होता, जेल के अंदर होता। ऐसे पोस्टर छपवा दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि नारा उन लोगों का ये होना था बेटी बेटी नहीं बेटा समझाओ बेटा पढ़ाओ। ठीक है, बेटी जो विदेश में नाम कमा के आए हैं वो धरने पे बैठे हैं, लेकिन वो अपने विदेश में गए अपना नाम कमाने के लिए। लोकतंत्र खतरे में, कानून बीजेपी के तलवे चाट रहा है, कानून को तो लागू किया ही नहीं जा रहा, ये संविधान खतरे में, इसका हरण किया जा रहा है। कर्नाटक में इसकी ऐसी तैसी होगी। कर्नाटक में नुकरा बजरंग बली का नाम लेगा वोट गेर तो है, बजरंग बली ने इसके तो इस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने संघर्ष किया, हमें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हमें खाना खाने का अधिकार नहीं था। अपने हक की लड़ाई करना राजनीति का, तो ये राजनीति की है। मीडिया है ना, मीडिया वो दलाल मीडिया से मोदी 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 और किसी को नहीं दिखाएगा, मोदी अमित शाह मोटू मोदी। अरे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया का, अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है देश स्वतंत्र नहीं। 15 रुपए का मेडल हर कोई नहीं ला पाएगा, बात है, कितने सारे लोग हैं इनके साथ बहुत गलत हुआ है। यस, हम इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और आप लोगों का जनहित आवाज़ में स्वागत है। आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जंतर मंतर में, पहलवानों के समर्थन में जाहिर सी बात है आए हैं। आप इनके पोस्टर पे एक बार नज़र डालेंगे तो दिखेंगे कि महिलाओं पर हिंसा मुर्दाबाद, इस तरीके की पोस्टर सारे बच्चियों के पास है। हम इनसे बात करेंगे, कहाँ से आई हैं आप? कॉनली। क्या यहाँ पे क्यों आई? हम इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? फिफ्थ। किसने कहा आने? दीदी ने। दीदी ने? हम लोग अपनी मर्जी से भी आए हैं। पहलवानों के साथ आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है इनके साथ? गलत ही हुआ है। क्या क्या गलत? बैड टच, गुड टच। क्या? देखिए, मैं इन लोगों के टीचर हूँ, एज ए मैं ट्यूशन टीचर हूँ इन लोगों का। ठीक है, जैसे हमारे देश के ये लोग बैठे हैं, ये पहलवान हैं हमारे देश के, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये एक महीने से बैठे हैं, तो इन लोगों के साथ गलती तो हुआ है, यौन हिंसा ही गलत है। नहीं नहीं, मैं बच्चे से जानना चाहती, बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में मालूम है? हाँ। इनके साथ बैड टच हुआ है? Yes। और आपको पता है, देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची, आपकी उम्र क्या है? 10। 10 साल की एक बच्ची, और इसे मालूम है कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, और ये लोग यहाँ पे समर्थन में आई हैं। आप कहाँ से आई? कॉन्डी से आए हैं हम सारे लोग। सारे लोग वहीं से? यस। Yes। क्या कह रही हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ। Yes। तो कैसे इनको इंसाफ मिलेगा? जो जिसने भी इनके साथ गलत किया उसको सजा दिलवा के इनको इंसाफ मिलेगा। आपको मालूम है कौन है वो? वो मालूम है आपको? आपको मालूम है? नहीं, जिन्होंने इनके साथ गलत किया वो कौन? भूषण शरण सिंह है, जिन्होंने जो WFI के चीफ हैं, उन्होंने हमारे जो इन लोगों के साथ गलत किया है। तो आप ही बताइए, वर्क फील्ड पे तो गलत है ना ये सब करना? तो आप अभी वहाँ पे अपने ट्यूशन के सारे बच्चों को लेके आए? जी, और हमारे साथ बड़े लोग भी आए हुए हैं आपके समर्थन में, आप ही सबको लीड कर रहे हैं? जी। तो क्या लग रहा है, यहाँ पे 15-20 दिनों से ये हैं और अभी तक महीना होने वाला है इन लोगों को? ये लोग 15-20 दिनों से ज़्यादा हो गया और यहाँ पर हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? ये कारण है, देखिए, एक तो वो पहली बात तो वो बीजेपी के हैं, ठीक है, बीजेपी के MP हैं, सबसे बड़ा कारण वही है, ठीक है, कि वो उनको एक सपोर्ट मिल रहा है एक बड़ी पार्टी का जो हमारे देश पे राज कर रही है अभी, जो सत्ता है उनका सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए उनको अभी कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं तो बस यही कहूँगी ना कि उन लोगों के जो हमारे पहलवान हैं उनको सपोर्ट कीजिए आप लोग, जितने भी हमारे देश हैं। नहीं, आपने कहा बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की नारे लगाए? जी, वो बस नारे लगाए हैं उन्होंने, वो ऐसे ऐसे पोस्टर छपवा दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि नारा उन लोगों का ये होना था बेटी बेटी नहीं बेटा समझाओ बेटा पढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेटे के माइंड सेट करेंगे कि हाँ ये करना गलत है, तभी वो गलत होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने भाई
आपने कई केस सुने होंगे कि किसी ने किसी के साथ गलत किया, किसी लड़के ने, ठीक है, वो जेल गए, एक दो साल उनको जेल हुई, फिर उसके बाद वो बाहर निकले, फिर वो वही काम कर रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं? उनको भी पता है कि बस हम ये करेंगे, एक दो साल, दो तीन साल जेल होगी हमें, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, आज़ाद हो जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अगर आप बेटी के बजाय बेटे को पढ़ाएंगे, बेटे को समझाएंगे, तो लड़कियों के साथ गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन लोगों के पीछे कांग्रेस है। अपने हक की लड़ाई करना राजनीति का, तो ये राजनीति ही है जी। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है और हम आगे आगे बोल रहे, तो राजनीति कैसे हो जाएगी, ये बताइए ना। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ तो छोड़िए, ये लोग तो इतने बड़े लोग हैं ना, सब लोग जानते हैं इन लोगों को, तब इन लोगों के साथ नहीं हुआ। ये एक महीने से धूप में बैठे हुए हैं, आप लोगों को गर्मी लग रही है, उन लोगों को भी गर्मी लग रही है, सब लोग एसी में बैठे हुए हैं, सब लोगों को लग रहा है ये लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे किसानों के साथ भी हुआ था, सब लोगों को लग रहा था कि वो लोग तो आराम से खा पी रहे हैं, 13 महीने से आराम से मौज काट रहे हैं, पर जब कोई धूप में और सर्दी में आके बैठेगा ना, तब पता चलेगा। उन्होंने, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इन्होंने जब मेडल लौटाने की बात कही थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 15 रुपये का मेडल है, वो लौटा के क्या होगा, जितना पैसा तुम लोगों को पुरस्कार के तौर पर मिला है वो लौटा। तो 15 रुपये का मेडल हर कोई नहीं ला पाएगा, बात है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे देश के खिलाड़ी जाते हैं ना, वो 15 रुपये का ही मेडल ही नहीं ला पाएगा कोई, हिम्मत चाहिए उसके लिए, ठीक है। इन लोगों में योग्यता है तभी वो 15 रुपये का ही, जिसको उन्होंने कह दिया ना कि 15 रुपये का मेडल है, आप ही बताइए, कोई इतनी मेहनत कर रहा है, उसको कोई कह देगा कि 15 रुपये का मेडल कैसे लगेगा, आप ही बताइए। क्या लग रहा है, बीजेपी जो हमेशा बेटी को बचाने की बात करती है, पढ़ाने बोलती है, राम राज की बात करती बोलते हैं, बस उन्होंने बस लिख लिया है कि हमें बस बोलना है और लिख देना है, करना नहीं है उसको जमीनी तौर पे। मोदी जी ने भी इनमें से एक किसी को बेटी कहा था, तुम मेरी बेटी जैसी हो, टेंशन मत। तो बेटी जैसी है तो इनका करो ना कुछ, अगर उनकी अपनी बेटी होती, जो इतने सारे लोग हैं उनकी अपनी बेटी के साथ होता, तो वो लोग ऐसे एक महीना छोड़ देते रोड पे, आप बताइए। अभी मोदी जी जापान दौरे पे हैं, अभी विदेशों से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लोकप्रिय। अब ये बताइए, अपना घर टूट रहा है, दूसरों से हम जोड़ रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? अपना घर टूट रहा है तो अपना घर तो टूट ही रहा है, अपना घर तो टूट ही रहा है ना, ये बताइए। देश की बेटी परेशान है तो अपना घर तो टूट ही रहा है ना, उस घर में कभी देख, आपने भी सुना होगा, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस घर की बेटी और बहुत खुश ना हो, बात सुनी है ना। तो हमारा देश हमारा घर है, जब हम ही लोग खुश नहीं रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन भारत जो है डिजिटल इंडिया बन गया है। जी जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि डिजिटल इंडिया बन गया है ना, तो जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुष, तो आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं ना, तो प्लीज डिजिटल माध्यम से इन लोगों का सपोर्ट कीजिए, बस मैं आप लोगों से। आप पहली बार आई हैं यहाँ? नहीं, मैं लास्ट मंडे को भी आई, नहीं ट्यूजडे को आई थी यहाँ पर, इसी बच्चों के साथ में? नहीं नहीं, मैं दूसरे, तब मैं अकेले आई थी और 2-3 लोग आए थे मेरे साथ। क्या लग रहा है, कब तक संघर्ष करना होगा इनको न्याय दिलाने के लिए? ये लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र में, लोकतंत्र तो है, ठीक है, लोकतंत्र है, बस ये नाम का लोकतंत्र है, ठीक है। 28 तारीख को मोदी साहब संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, हो सकता है उससे पहले हम लोग कर दें। क्या कर देंगे आप लोग? 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे संसद भवन में, ठीक है। देश छोड़ के विदेश में जापान में दौरा कर रहे हैं, अपने देश छोड़ के दूसरे देश के मजबूत कर रहे हैं, मेन तो अपने देश होना चाहिए ना, पहले अपने हाथ मजबूत कर, जब दूसरे मजबूत करेंगे, दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहेंगे पाकिस्तान की चूरी टाइट कर दी है, पाकिस्तान थर थर कांप रहे हैं, अपना हिंदुस्तान तो संभाल लो पहले, पाकिस्तान तो अपने आप संभाल लेगा। अंकल गुस्से में लग रहे हैं आप, सही बात है ना, कहते ना जिस देश को अंग्रेज के पंजे छुड़ाए उस देश की नसीहत पर लुटेरों को बिठाया, वो लुटेरा कौन है? ऐसे नहीं बोलिए मोदी जी के बारे में, बहुत लोकप्रिय नेता है वो, लोकप्रिय होते मैं आज हमारे देश की, देखिए आपको बताऊं, निर्भया केस कांग्रेस के राज में हुआ था, ठीक है, वो भी से फांसी बहुत रो रो के मिली, क्योंकि कांग्रेस के राज में कांग्रेस से फांसी दिलवा दी, से सब खुश है। मोदी जी के राज में फांसी लगी है, लगी है, लेकिन केस तो कांग्रेस के राज में हुआ था वो, तो फिर फांसी भी हो के बची है, लेकिन हो गई। अगर इस तरीके से आगे से कोई हरकत करे सबको फांसी हो। आप इतना नाराज क्यों हैं मोदी? मैंने नाराजगी क्या बात है, कहा था बेटी बचाऊंगा बेटी पढ़ाऊंगा, बेटी पढ़ाने भेजो तो भाजपा ही मार देते, बचाने जाओ तो अब घर वालों को गोली मारने का ऑर्डर देते हैं। मतलब लोकतंत्र पे आपको कानून पे विश्वास नहीं है? अगर कानून होता तो बृजभूषण आज यहाँ नहीं होता, जेल के अंदर होता।
गिरफ्तार होता पर मोदी पे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे इतने दिन हो लिए इंसाफ नहीं मिला, पागल बैठे दमनू बताओ, कम से कम कुछ तो सोचनी चाहिए। या जाट वर्सेस राजपूत कर रही सरकार, इस सरकार को ये नहीं सोचना कि भाई ये क्या होगा। वैसे तो इसे हिंदू राष्ट्र बनाना, वो यहाँ जाटों को और राजपूतों को लड़वा रही, कहाँ का यो वो है समाधान। ब्रिजभूषण कह रहे जातिवाद कर रहे हैं ये लोग, एक ही जात के लोग बैठे हुए, एक ही जात का कुछ नहीं है। अभी राजपूत आए थे उन्होंने, और 36 बिरादरी बैठी। दमनू बताओ यार, एक बात बताओ, यो कोई छोटा आरोप है इस पे? छोटा आरोप है, इतना बड़ा आरोप लगाया इस पे तो तुरंत गिरफ्तारी होनी थी। इनके पास प्रूफ नहीं है, डेट भी याद नहीं है कब छेड़छाड़ किया। एक बात बताओ, महिला इस चीज के चक्कर में अगर बैठी रहेगी तो फिर तो हो लिया भैया न्याय, समाधान हो लिया। ब्रजभूषण को तो पता होगा, ब्रजभूषण को एक अगर कोई आम आदमी होता है जी, कोई हमारे देश की बेटी जो विदेश में नाम कमा के आए हैं वो धरने पे बैठे हैं, लेकिन वो अपने विदेश में के अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम नहीं देश का में कमाने, देश का नाम क्या, अपने नाम कमा रहे हैं, अपना कर रहे हैं। देश की बेटी यहाँ जो है बैठे परेशान हो रही है, एक महीने हो गए, एक बार झांकने तक नहीं जाए उनके भाजपा के कोई भी नेता। मैडम मेरी बात सुनो, मेरा हमारा मकसद बीजेपी से नहीं है मैडम, मेन जो मुद्दा गलत है ब्रजभूषण सिंह उसे अरेस्ट करना चाहिए। और एक बात बताओ, मोदी को मैडम 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट यहाँ पर नहीं दे सकते, वो सबसे बड़ी बात ये है देखो, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री उनको बहुत सारी चीजें देख मैडम उस चीज से नहीं है, इससे बड़ा क्या मामला होगा। एक बार बताओ इतना बड़ा, एक बार बंद कर दिया, पागल है जनता नहीं, जनता बदलवाने में रहेगी नोट का। काला धन नहीं वापस आया क्या? काला धन तो बीजेपी के दौरे आ गया सारा। मैडम हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो अपराधियों से अरेस्ट करना चाहिए। और एक बार बताओ, प्रधानमंत्री जी को यहाँ आना नहीं चाहिए? जब मेडल मिले थे तो प्रधानमंत्री इनके साथ थे, आज ये धरने पे बैठे हैं, आज कोई साथ क्यों नहीं है इनके? हैं प्रधानमंत्री को 5 मिनट के लिए तो इनके पास आना चाहिए। और मैडम ये धरना जब तक चलेगा जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे। बीजेपी की महिला अध्यक्ष है, वह यहाँ क्यों नहीं आती? वह महिला गाय की महिला, वह महिलाओं का सम्मान में नहीं आ रही। आपने देखा होगा पीटी उषा ने भी इन लोगों को धरना बंद करने को कहा, और अनुराग ठाकुर ने भी इन लोगों को धरना बंद करने के लिए कहा। कहूंगे ना उन्हें तो अपना आदमी बचाना, उनको तो वो जो कह रहे हैं वो बीजेपी का दलाल है वो, अगर वो नहीं कहेंगे तो बीजेपी उनका मुंह नोच लेगी। प्रधानमंत्री को शरम आनी चाहिए, बीजेपी का एक भी नेता नहीं आया, देश की बेटी। आप तो भीम आर्मी वाले हैं और यहाँ पे ये लोग जातिवाद से चलेगा, इससे देश इससे यहाँ कोई जाति नहीं होती, जिसके अंदर मानवता है वो मनुष्य है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, जो जिसके अंदर अगर मानवता है वो मनुष्य है, वो जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं वो मनुष्य नहीं है। ये पूरे देश का आंदोलन है, ये देश की बेटी है, किसी जाति धर्म की बेटी नहीं है, ये हमारी बहन बेटी है, पूरे देश की बेटी है। ये जो गलत कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, ऐसा कुछ ये ब्रजभूषण क्यों नहीं चला रहा है बुलडोजर चलाओ ना, ब्रजभूषण कौन सा दूध का धुला है? कानून पे विश्वास तो रखिए, कानून तो खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कानून बीजेपी के तलवे चाट रहा है, कानून को तो लागू किया ही नहीं जा रहा, ये संविधान खतरे में, इसका हरण किया जा रहा है। अगर कानून का राज होता ना अब तक वो जेल में होता, कानून का राज होता तो कानून पे विश्वास नहीं, विश्वास है इसमें, विश्वास है कानून में, जो लोग बैठे ना, जो लोग सत्ता में बैठे उन पे विश्वास नहीं है। किसानों को भी ना जी, मोदी जी से चाइना और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। अपना अपने देश सुरक्षित नहीं है, दूसरे देश की बात क्यों करते? हमें हिंदुस्तान से मतलब है, देशों से मतलब नहीं है, यहाँ देश सुरक्षित नहीं है, यहाँ बहन बेटी सड़क पे बैठी है, वो सिर्फ मजे लेते रहते हैं, करोड़ों का सूट पहनो घूमो, मतलब देश में महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। आज ही एक रिपोर्ट आया है जिसमें पता चला है कि सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी, सबसे झूठा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 15 लाख गरीबों को देंगे, देश की वो बदल देंगे। अरे शरम आनी चाहिए, शरम, जनता ने चुना, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा, 5 किलो राशन टैक्स दे रहे हैं, फ्री में दे रहा है राशन, हर चीज पे टैक्स लगा दिया, फ्री में दे रहा है, रोजगार एक नहीं दिया, सारी कंपनियां बेच दी अडानी अंबानी को, पूरा देश बेच दिया। ब्रजभूषण सिंह अरेस्ट होने चाहिए पहले, कानून पे भरोसा रखिए, हो जाए।
मैडम कानून पे भरोसा तो रखिए, लेकिन बीजेपी पे हमें इस चीज से भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये उठ जाएंगे तो उनका केस कम हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। आपको विश्वास नहीं है और गृह मंत्री कह रहे आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी को आना चाहिए था अभी तक यहाँ। बेटी बचाओ, मैडम बेटी वोट दी थी, बढ़िया सरकार है, अरे सरकार ने तो सब मामला खराब कर दिया। तमनु बताओ, इतनी चाह के वोट दी थी लोगों ने, अगर उनको भाई मोदी है, मोदी है, जो मोदी है, अब देख लो जो मोदी है, देश की बेटी सड़क पे बैठी है, वो कह रहे हैं कि मेडल मिले तो जब भी तो साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इनसे बेटी बचाओ। अजी मैं नुगरा ऐसे देश आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप कैसा प्रधानमंत्री वो? हम उस कुर्सी की इज्जत कर रहे हैं, थोड़ी सी उस कुर्सी की इज्जत हो रही जो इतनी जनता ने उस कुर्सी को चुना है। अब वो ऐसा आदमी, भ्रष्ट आदमी बैठा दिया कि अब वो अपनी अपनी चला रहा, 2000 के नोट बंद करवा रहा, 2000 ये जो अरे तो सुनो, जब मेडल लौटाने की बात कही इन लोगों ने तो उसमें कहा गया कि 15 रुपए का मेडल है, वो लौटाने से क्या होगा, जितना पैसा मिला है वो लौटा। 15 रुपए का तेरे घर के ने भी किसी कभी कुश्ती लड़ी? इसके घर वाले ने कभी कुश्ती लड़ी? अरे एक मड़े से पहलवान के लड़के दिखा दे, साले को देते मार दे से। फ्री में अगर मेडल 15 रुपए में मिल रहा हो, आप वीडियो देखो, वीडियो आप मीडिया पे दिखाओ, टीवी पे दिखाओ। ये मैं थोड़ी बोली हूँ, ब्रजभूषण बोल रहा है, पैसे जब तक कुछ नहीं होगा ये धरना और बढ़ता जाएगा। मीडिया है ना, मीडिया वो दलाल मीडिया से मोदी 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 और किसी को नहीं दिखाएगा, मोदी अमित शाह मोटू मोदी। अरे लोकतंत्र में 1400 मीडिया का, अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है, देश स्वतंत्र नहीं है, शर्मानी चाहिए मीडिया, है ही नहीं, दिखाता ही नहीं है। तेरे मीडिया आज तक ये सारे मीडिया ये बिक चुके हैं, ये न्यूज ही नहीं दिखा रहे है जी, ये न्यूज नहीं दिखा रहे, तो इनको मोदी का ये दिखाना, आज मोदी ये लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चल रही है, अटल की बात तो मानोगे, किसानों पर एक बात तो मानोगे कि 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास हुआ, सबका नाश हो गया, नाश हो गया, नाश हो गया, सबका नाश हो गया, सबका नाश हो गया, सबका नाश हो गया। रोजगार तो है ही नहीं, देखो शिक्षा इतनी महंगी कर दी है ना, तुम लोग बताओ जाट वर्सेस राजपूत कर रहे हैं, वे राजपूतों को बालक ना दे, आप कह रहे हो भर्ती के चक्कर में, जिन्होंने आप कह रहे हो मुख्यमंत्री नहीं आ सकता, तो खट्टर तो आ सकता है यहाँ पे, खट्टर पे तो बोलना ही नहीं आता, खट्टर तो आ सकता था, उसमें तो बोलना ही नहीं आता खट्टर पे, और उसका आज तक नहीं बोला, खट्टर मुख्यमंत्री बना दिया उस पर, पता क्या कहता है, मेरे किसान भाइयों वापस लौट जाओ, जान बची रहेगी तो भागे, शर्मानी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, ये जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश का भी खुशहाल नहीं होता, इस देश का अन्नदाता 13 महीने बैठा था, वो हमें अन्न देता, उसके भरोसे बैठे हम लोग, अगर तुम गूगल से रोटी मंगा लोगे बताओ, वो 13 महीने बैठा रहा किसान, उस पर गोली चलवाई, पानी की फायरिंग करवाई, वो आतंकवादी था। 2014 के बाद डिजिटल इंडिया हो गया, पूरा देश का नाश हो लिया, नाश, कहां तो वैकेंसी है, कहां नौकरी है, हम लोग अरे इतने जवानों ने फांसी खा ली, पकौड़ा तलने के लिए कहा गया है, पकौड़ा ज्यादा फांसी खा रहे, कोई नशा कर रहा, कोई पटा हुआ, किसी को पता ही नहीं के हो रहा के नहीं हो रहा, हम लोग शिक्षा इतनी महंगी कर दी है ना, इतनी महंगी, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, नहीं पढ़ेगा नहीं नौकरी मांगेगा, इसलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है कि ना आदमी पढ़ पाए ना नौकरी का सवाल, कोई नौकरी तो नहीं सकते, और कौन करेगा, वो गरीब माँ का बेटा है, कहता है 35 साल भिक्षा मांग के खाइए, 15 साल तो मुख्यमंत्री रहा, 10 साल पीस मिनिस्टर हो गया, उसने कौन सा स्टेशन भीख मांगी थी, उस पर डिग्री तो है नहीं, फर्स्ट डिग्री दिखा था, ये रहा इनके भाव बढ़ के 2 योजना में आ गए, और अब क्या तीसरी बार भी आएंगे अजी, अब क्या जूते मारेंगे, मारेंगे, अब देश का युवा जाग चुका है, कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे मोदी कुर्सी खाली करो, चूरी चूरी टाइट कर दी है पाकिस्तान की, चूरी पाकिस्तान से हमें मतलब क्या है, पाकिस्तान से साला इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा पाकिस्तान नहीं है, किस देश की बात करो, अमेरिका की होल्ड करो, जापान की होल्ड करो, चीन की होल्ड करो, कितनी टेक्नोलॉजी आगे पहुंच चुकी है उनकी, सारे पाकिस्तान की होल्ड करते, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा पाकिस्तान नहीं, मोदी इसका जूता मार के इसका भी नहीं होगा, 56 का नाप के देखा आपने, 56 इंच का सीना है, मैं फेंक दूं, मैं प्लान चलाता हूं, ये करता हूं, शर्म नहीं आती ऐसे प्रधानमंत्रियों को, देख सकते हैं युवाओं में कितना रोष है, कितना गुस्सा है, ये लोग बीजेपी के लिए जहर उगल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो मोदी सरकार नहीं आ
सर, लेकिन गृह मंत्री है वो बार बार कह रहे हैं इस बार भी मैं एडमिशन करवा दूंगा। गृह मंत्री जी कहते हैं इंटर के बाद 12 में एडमिशन करवाऊंगा। जवान कैसे फसल जाएगी, जवान कैसे फसल जाएगी। योगी योगी जी कहते हैं 56 में 40 में तो 56 संसद है, शर्म नहीं आती। सारे गवर्न लोग सत्ता में बैठेंगे तो नाश्ता होना ही देश का। पढ़े लिखे व्यक्ति को भेजोगे ना, पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो किसान का बेटे हैं, गरीब आदमी है, वो गरीबों का दर्द समझते हैं। जो दिन रात एसी में रहते हैं वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे, जब इतनी बड़ी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब बेटी को न्याय कैसे मिलेगा। कांग्रेस है, मैं कांग्रेस, कांग्रेस ही बीजेपी की पार्टी है, आरएसएस चलाता है आरएसएस। हम एक आम आदमी है, आम आदमी, हम जनता, हम देश के लिए जान दे देंगे। ये कहवे नुको ये जाट है और नुको इनके समर्थन में ना बोल लो, हम जाट है, हम कहवे पर, लेकिन हम जाट क्यों है, हम स्वाभिमान चूड़ा चमारे। हमको इस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने संघर्ष किया। हमें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हमें खाना खाने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली सब पानी पी सकते थे, उस तालाब में पानी पीना अगर बाबा साहब लड़ते ना, आज हम यहाँ ना होते। लोकतंत्र भारत का सबसे, फिर भी आप यहाँ पे समर्थन में आए, क्यों आए? लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। हम देश को एकजुट करना चाहते हैं, एकजुट, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जातिवाद के ऊपर जाति तोड़ो, देश दुनिया को बांटा जा रहा, उस गद्दी की इज्जत हो रही, इसे विदेश घुमा लो, है इसे नुका दो, नुका कर्नाटक में इसकी ऐसी तैसी होगी कर्नाटक में। नुकरा बजरंग बली का नाम लेगा वोट गेर दो, है बजरंग बली ने इसकी इसके उन्होंने कहा है, ऐसा गदा मारा, उन्होंने कहा है बजरंग दल को जो बैन करेगा। अजी बजरंग दल को जो वोट मिल जा, किसान जो है, किसान 13 महीने बैठ रहे, उन्हें वाटर कैनन किया गया, सभी तरह के श्री राम पे वोट नहीं देंगे, जय श्री राम पे वोट नहीं मिलती, काम करना पड़ता है, रोजगार देना पड़ता है। काम तो कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, राम राज बना दिया, क्या रोजगार, डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। 2019 से हरियाणा E20 में अध्यक्षता कर रहा है भारत, मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं, सारे पद खाली हैं, आज भी पुलिस में सारे पद खाली हैं हरियाणा में, आज तक नहीं भरेगा, अब भी सरकार झुकेगी, सारे सरकार भी हम लोग बुलाते हैं और उतारिया काम भी करेंगे। दिल्ली से एमसीडी को भी एमसीडी में भगाए बीजेपी को, सारे किसान जाट थे, सारे पहलवान जाट है, सरकार पहले झुकी थी, सरकार अब भी झुकेगी। अगर नहीं झुकी तो दिल्ली भूखी मर जाएगी, दिल्ली भूखी मर जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कैसे कह सकते हैं, हम कह रहे हैं दूध पानी सब चीज, सब चीज, दूध दूध था तो जो गमों में दूध जा रहा ना, सब बंद करवाए थे जाना, जो गमों में दूध जा रहा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर 2024 में नहीं झुकी सरकार तो दूध पानी अनाज सब बंद कर देंगे, और 2024 में जैसा कि इन लोगों से बात करके लगा 2024 में बीजेपी की तो सरकार नहीं आएगी। युवाओं में बहुत गुस्सा है, तमाम तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं पहलवानों के समर्थन में। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जिस तरीके से गुस्सा है इन लोगों के अंदर, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है और ना ही सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन मिला है। पूरी खबर पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में।